नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। किसान आंदोलन के चलते 26 मार्च को भारत बंद का असर आज करनाल रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिला। दिल्ली से चलकर कटरा जाने वाली वंदे भारत ट्रेन सुबह करीब 7:30 बजे करनाल स्टेशन पर रोक दी गई। जैसे ही यह ट्रेन करनाल पर रुकी तो ट्रेन में मौजूद यात्री असमंजस में पड़ गए कि आखिर इस ट्रेन को करनाल क्यों रोका गया, जबकि करनाल में इस ट्रेन का स्टॉपेज भी नहीं है। जब काफी देर तक ट्रेन नहीं चली तो यात्रियों ने एक दूसरे से पूछना शुरू कर दिया। इस दौरान किसी को भी इस बात का इलम नहीं था कि आखिर ट्रेन क्यों रोकी गई। रेलवे के किसी भी अधिकारी द्वारा यात्रियों को कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं दी गई। परेशान होकर यात्रियों ने स्टेशन पर ही हंगामा शुरू कर दिया। तब जानकारी यह मिली कि अंबाला और शाहबाद के बीच में रेलवे ट्रैक पर जाम है, जिस कारण गाड़ी को आगे रवाना नहीं किया जा रहा। जैसे ही इसकी सूचना करनाल के निर्मल कुटिया के सेवादारों को मिली तो वह तुरंत भोजन और दूध लेकर स्टेशन पर पहुंच गए और यात्रियों को खाना खिलाया गया। करीब 11:16 पर रेलवे द्वारा यह आधिकारिक घोषणा की गई कि इस ट्रेन को रद्द कर दिया गया है और अब यह आगे नहीं जाएगी। यह सुनते ही यात्रियों में और भी गुस्सा भड़क गया और उन्होंने जमकर रेलवे के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। अधिकांश यात्री माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जा रहे थे। रद्द होने की सूचना मिलते ही यात्रियों ने स्टेशन पर ही माता रानी के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान कुछ यात्री किसान आंदोलन को लेकर वाद विवाद में पड़ गए। कुछ ने इसे सही बताया तो अधिकांश ने इस आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताया। लोगों ने सवाल किए कि आंदोलन की आड़ में क्यों आम आदमी को परेशान किया जा रहा है, छोटे बच्चों ने क्या कसूर किया कि उन्हें भी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। कुल मिलाकर ट्रेन रद्द होने के बाद अब यात्रियों को अपने वापस जाने की चिंता सताने लगी है। देखिए करनाल से तरुण मदान की यह एक विशेष रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि इस समय मौजूद हूं करनाल के रेलवे स्टेशन पर। आज 26 मार्च है। 26 मार्च किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया था। हालांकि यह कहा गया था कि नेशनल हाईवे जाम नहीं होगा, स्टेट हाईवे जाम करेंगे, लेकिन इसका सीधा सीधा असर बसों और रेलवे परिवहन पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ इस समय रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ पर अब इनकी समस्याएं जानने का प्रयास करेंगे। आखिर इनको आने जाने में क्या कठिनाई इनको झेलनी पड़ रही है और क्या इनको क्या किसी सुविधा का लाभ इनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर बड़े सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं, पर छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। सर, आप कहाँ से हैं? हम छत्तीसगढ़ से हैं। तो आपको जाना कहाँ है? छत्तीसगढ़ जाना है, क्योंकि ट्रेन नहीं है यहाँ पर। ट्रेन नहीं है ना? क्या आपने पता किया क्या कारण है ट्रेन क्यों नहीं है? पता नहीं किया, अभी तो पता नहीं चला है ट्रेन। हाँ जी, आपके कहना चाहेंगे? मैं सर बनवारी बोल रहा हूँ, मेरे को छत्तीसगढ़ जाना था, तो ट्रेन हो चुकी थी। ट्रेन रद्द हो चुकी है? हाँ जी। किस कारण से रद्द हुई है यह पता लगा अभी तक आपको? ये मालूम नहीं लगा सर अभी। तो आगे कब चलेगी ट्रेन, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? नहीं, कोई जानकारी नहीं है सर। ये देखिए, ये थे मेरे साथ, इन्होंने छत्तीसगढ़ जाना है, छत्तीसगढ़ के रहने वाले, इनको वापस अपने घर की तरफ जाना है, लेकिन यहाँ पर कोई भी जानकारी देने वाला नहीं है। इनकी ट्रेन, इनको इतना पता चल चुका है कि इनकी ट्रेन रद्द हो चुकी है, लेकिन इनकी ट्रेन वापसी कब आएगी, इनकी ट्रेन दोबारा कब चलेगी, इसके बारे में इनके पास जानकारी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं, ये बेचारे भी। सर एक चीज़ बताइए, यहाँ पर अब आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं जब आपको पता है कि ट्रेन रद्द हो चुकी है? अब ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, वापस घर जा रहे हैं। फिर तो अगली ट्रेन का क्या पता, कुछ अगली ट्रेन का? वो भी रद्द हो चुकी। कब तक के रद्द बता रहे हैं? ये 5 बजे तक, आज शाम 5 बजे तक इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। तो अब ये फिलहाल अपने घर की ओर लौट रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ और भी मौजूद हैं, मेरे साथ एक लड़की बात करेगी। बेटा, आपको कहाँ जाना है? छत्तीसगढ़। आपको भी छत्तीसगढ़ जाना, आप इन्हीं के साथ हैं। तो अब आपको क्या पता लगा कि आपकी ट्रेनें कब तक रद्द हैं? पता नहीं। देखिए, इनको भी नहीं पता कि इनकी ट्रेन कब और कहां तक रद्द है। हालांकि जाना था उनको छत्तीसगढ़ है, लेकिन यहां पर फिलहाल कोई सुविधा नहीं है जिससे कि अपने गंतव्य की ओर लौट सके। मैं आपको बता दूं कि करनाल से आने और जाने के लिए अब पैसेंजर्स को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आज किसान नेताओं का भारत बंद का ऐलान है इसके। लेकिन बात यहाँ पर यह भी उठती है कि अगर भारत बंद का ऐलान किसानों ने काफ़ी पहले से कर दिया था, तो इसको रोकने के लिए, ताकि यात्रियों को सुविधाएँ ना आएँ, यात्रियों को असुविधा ना झेलनी पड़े, इसके लिए प्रशासन को अब कई नियम उठा लेने चाहिए थे, कोई ना कोई ठोस कदम उठा लेना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर्स खड़े हैं भारी मात्रा में, भारी मात्रा में पैसेंजर्स खड़े हैं, और कईयों को तो पता ही नहीं है कि इनको जाना कहाँ है। और जाना तो है, लेकिन कहाँ जाना है? भाई साहब, आपको
एक मिनट, अब बात करने का प्रयास करते हैं। सर आपको कहाँ जाना है? मथुरा जाना है सर। मथुरा जाना है, और अब कहाँ से आए आप? हम करनाल से मथुरा जा रहे हैं, मंदिर में रहते हैं। मंदिर में रहते हैं, तो क्या अब साधन मिला आपको जाने के लिए? जी सर, हमने रिजर्वेशन कराया था आज की डेट का सठखंड से 27-15, मगर विभाग की लापरवाही की वजह से समय से पहले इन्फॉर्म करना चाहिए कस्टमर को या अपने पैसेंजर को कि आपकी ट्रेन इतने घंटे लेट है। कितने घंटे लेट बता रहे हैं आपकी ट्रेन को? 6 घंटे। 6 घंटे? हाँ। 6 घंटे के बाद आपको लगता है कि ट्रेन चलेगी कि नहीं चलेगी? नहीं, किसान आंदोलन की वजह से ये रुकावट आई है, तो इसके बारे में विभाग को भी सोचना चाहिए। कि आपका शुभ नाम क्या? पुरुषोत्तम पांडे। देखिए, ये मेरे साथ पुरुषोत्तम पांडे, इन्होंने करनाल से मथुरा की तरफ जाना था ना, इन्होंने रिजर्वेशन भी करवा के, लेकिन इनका साफ कहना है कि जब विभाग को पता था कि किसान आंदोलन है, किसानों ने 26 तारीख को भारत बंद का ऐलान कर रखा है, तो उनको समय रहते इन्फॉर्म कर देना चाहिए। अभी अपने परिवार के साथ पूरे साजो सामान के साथ मथुरा जाने की तैयारी में, लेकिन यहाँ पर आकर इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो ट्रेन है वो 6 घंटे लेट है। 6 घंटे के बाद क्या स्थिति रहेगी ये 6 घंटे के बाद ही पता चल पाएगा। फिर से बता दूं कि इस समय मौजूद हूं करनाल के रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर किसान आंदोलन के चलते यहाँ पर ट्रेनें रोकी गई हैं। बताया यह भी जा रहा है कि अंबाला और शाहबाद के बीच में रेलवे ट्रैक बिल्कुल जाम कर दिया गया है, जिस कारण से ट्रेनों की आवाजाही थम गई है। लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रेन, एक ट्रेन है वंदे भारत जो पिछले काफी घंटों से यहाँ पर खड़ी है। यहाँ पर जो पैसेंजर है वंदे भारत के, वो भी बेचारे भूख प्यास से बिलख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर करनाल की सामाजिक संस्थाएं एक बार फिर से आ गई हैं अपने नाम को चरितार्थ करते हुए। करनाल कर्णभूमि के नाम से जाना जाता है, आप इसी नाम को चरितार्थ करते हो। करनाल की सामाजिक संस्थाएं यहाँ पर आगे आई हैं जो लोगों को खाना वितरित कर रही हैं। आप मेरे साथ देख सकते हैं किस तरह से लोगों को खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध करवाई जा रही हैं ताकि उनको किसी भी तरह की परेशानी ना आए। हालांकि किसान आंदोलन के चलते उनकी ट्रेन जरूर रुकी हुई है, यहाँ पर पिछले काफ़ी घंटों से रुकी हुई है। आगे जाने का क्या अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा कि आगे कितने घंटे अभी और लगेंगे और ये रवाना कितने बजे तक हो पाएगी। हम बात करने का प्रयास करेंगे लोगों से। हाँ जी बताइए, यहाँ पे ट्रेन रद्द कर दी गई? आप 3 घंटे 16 मिनट आपने यहाँ इंतजार किया। हाँ। उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ट्रेन रद्द है। हाँ। जिसकी टिकट जिन्होंने ऑनलाइन कराई उनके मोबाइल में पैसे आ जाएंगे, बाकी काउंटर पे जाकर ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये पैदा होता है कि अब आप लोग वापसी कैसे जाओ, यहाँ से यात्री कहाँ जाए, कैसे हम लोग यात्रा करेंगे? भाई रिफंड तो हो गया, चले ठीक है, रद्द कर दिया, अब हम लोग जाएंगे कैसे यहाँ से? इतना पैसा क्या मतलब हुआ? होटल वो सब कहाँ गया? वो सब बुकिंग है, वो सब तो कैंसिल हो जा रहा है। तब हम लोग हैरेसमेंट कर रहे हो, हम लोग 6 बजे तक वेट करेंगे, 6 बजे बाद गाड़ी छोड़ने बोलिए लोगों। ये सारी चीजें एक स्टडी के तहत हो रही है। पहली चीज ये, क्या आपकी ट्रेन यहाँ पे चक्का जाम करके ट्रेन रुकवाई जा रही है? हम यहाँ पे खाना खाने के लिए, लंगर खाने के लिए या रुकने के लिए नहीं आए, ना ही हम ये चाहते हैं कि हमारी व्यवस्था की जाए यहाँ से वापस भेजने की। हमें जाना है वैष्णो देवी माता रानी के दर्शन करने के लिए। पहले हमारी ट्रेन रुकवाई गई और उसके बाद यहाँ पे लोगों को खाना दे के उनका मुँह बंद करवा दिया गया। अब उनसे कहा जा रहा है कि आपके लिए रुकने की व्यवस्था है, ये कहीं से जस्टिफाई नहीं है। ये वही चीज है, पहले बंदे को चोट दो और फिर उसको मलहम लगाओ। अभी हमारे साथ वही हो रहा है। अगर किसानों को प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसके लिए उनको सरकार से बात करनी चाहिए, आम लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। आप इस उम्र देखिए इसकी, 3 साल की है, किसानों ने इसका क्या बिगाड़ा है, इसने किसानों का क्या बिगाड़ है? अभी ये यहाँ से ट्रेवलिंग जाएगा बस में करके, और छोटे बच्चों के लिए और बूढ़े लोगों के लिए सेफ्टी है कहीं से भी बस में? तो किसान जैसे बाकी लोगों का फर्ज बनता है किसानों के बारे में सोचने का, वैसे किसानों का भी फर्ज बनता है बाकी लोगों के बारे में सोचने का। और ये सर जी ये बोल रहे हैं किसानों का फर्ज बनता है। किसानों ने 3 दिन पहले आज की डेट अनाउंस कर दी थी कि हम पूरे भारत में चक्का जाम कराएंगे। ये सर अपनी टिकट कैंसिल नहीं करवा सकते थे अपने घर में बैठे? 3 दिन पहले गवर्नमेंट कोरोना काल में, ये कोरोना की बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में ये रेलवे की जिम्मेदारी बनती है, हमारी नहीं बनती। सर हमारी मान सम्मान हमारी भी बनती है यार, क्यों नहीं बनती हमारी? हम किसानों को बोल रहे हैं, किसानों को कोरोना काल में भाई एक मिनट बात करूं कोरोना काल में, कोरोना काल में सरकार ने अचानक रात को अनाउंस कर दिया सब कुछ। आप ये बताइए 3 दिन के लिए अल्टीमेटम था तो सरकार ने क्यों नहीं रोकी? परेशानी क्यों है? सरकार को रोकनी चाहिए ना एक्सप्रेस के यात्री। अरे हम माता की सेवा में जा रहे हैं, ना किसी राजनीति में जा रहे हैं। होते ना उनको परेशानी नहीं हो रही, ये वंदे भारत एक्सप्रेस के यात्री से इनको परेशानी हो रही है। अरे अरे ये रेलवे की दिक्कत है, नहीं फिर इसीलिए सरकार को कहना था ट्रेन को रोकना। ये प्रॉब्लम है, हम संसद में घेरे में बैठे, पब्लिक परेशान हो रही है, सरकार परेशान हो रही है, वहाँ बच्चे
नहीं बैठे, ये सरकार है, छोटे छोटे बच्चे वहाँ धरने पर, छोटे छोटे बच्चे नहीं बैठे, सरकार को क्यों नहीं बोलते ये सरकार दिन बात इस लो आज आज को आज किसानों ने कुछ कर केवल और केवल गुंडागर्दी हो रही है, राजनीतिक अपने राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है। रेलवे को केवल गुंडागर्दी हो रही है, रेलवे को बोला जाए कि टेंट पार्क में चावल चल सकती है जब पटना के लिए, जो लोग जाना चाहे चले जाए। आप न्यूज में दिखाइए, पब्लिक चाह रही है कि ये ट्रेन 4 बजे 5 बजे 6 बजे कटरा जा सकती है, जिससे सरकार को ट्रेन रोक देनी चाहिए थी, जो अल्टीमेटम था। आप कर सकते हैं, अगर आप गुंडागर्दी हो रही है कल को आपको देश को बंद कर दो तो क्या देश बंद कर दिया जाएगा? ऐसे कैसे देश को बंद कर दिया जाएगा? आपको अपने रेलवे को ये कहा जाए कि ये ट्रेन 5 बजे आगे लौट जाते हैं, सब रहे यात्री कैसे जाएगी गाड़ी आगे पीछे? बिल्कुल नहीं जाएगी गाड़ी। ट्रेन 5 या 6 बजे जा सकती है, जो कट्टा चले जाए कट्टा चले जाए। ये रेलवे तो बहुत पता ही है, ये मेरी स्पेशल आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ट्रेन रद्द होने की घोषणा यहाँ पर हुई तो उसके बाद किस तरह से अफरा तफरी मच गई। हालांकि रेलवे ने यह कह दिया कि अब यह ट्रेन आगे नहीं जाएगी, ट्रेन को वापस जाना होगा, लेकिन 3 घंटे के बाद लोगों को सूचना दी जाती है कि जो यात्री यह ट्रेन आगे नहीं जाएगी, यात्रियों को वापस अपने गंतव्य। कोई आदमी आया हुआ है वो कैसे अपने स्थान अब, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये यात्री अपने गंतव्य की ओर वापस कैसे जाएंगे? इनके खाने पीने की सुविधा, इनके रहने की सुविधा के लिए हालांकि यहाँ पर आश्वासन दिया गया सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, लेकिन ये इससे संतुष्ट नहीं है। इनका ये कहना है कि यहाँ पर लंगर खाने के लिए यात्रियों रुकने के लिए नहीं, इनको माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जाना था, लेकिन इस ट्रेन के रद्द होने के चलते इनका सारा शेड्यूल बिगड़ चुका है। अब इनके लिए वापसी जाने की बहुत बड़ी समस्या है। सबसे पहले अपने पैसे वापस लेने हैं, टिकट कैंसिल करवानी है, उसके बाद अपने घरों की ओर वापस जाना है। आपको कहाँ से कहाँ जाना था? हमको कटरा जाना है। आपको कटरा जाना है? सर कटरा पहुँचने का ट्रेन का टाइम क्या है? 2 बजे 2 बजे आज दोपहर को। आप कहाँ से चले हैं? नई दिल्ली से आप चले थे। कितने बजे सुबह चले थे? 3 बजे घर से चले थे, 6 बजे नई दिल्ली से। और अब आपको यहाँ पर कितने घंटे हो गए ट्रेन को? 3-4 घंटे हो गए। 3-4 घंटे हो गए और अभी तक कुछ अंदाजा लगा है कि आगे ट्रेन का ट्रैक साफ हुआ है या नहीं हुआ? आगे ट्रेन चलने को टाइम नहीं है। अच्छा, अब करनाल की, अब आप काफी समय से यहाँ खड़े हैं, भूख प्यास लगना लाजमी है। अब करनाल की जनता आप इसमें जुटी हुई है, लोगों को खाना खिला रही है ताकि कोई किसी तरह की परेशानी ना। आप करनाल की जनता को क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। देखिए, ये मेरे साथ एक पैसेंजर दिल्ली से चले थे, इनको कटरा जाना है। कटरा पहुंचने का ट्रेन का समय दोपहर 2 बजे है, नई दिल्ली से 6 बजे चली थी यह ट्रेन, लेकिन फिलहाल यहाँ पर किसान आंदोलन के चलते ये रेलवे ट्रैक करनाल के ट्रैक पर ही रुकी हुई है और यहाँ पर पिछले 3 या 4 घंटों से ये लोग खड़े हैं। मैं और लोगों से बात करने का प्रयास करूँगा। सर, आपको कहाँ जाना है? हम कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अभी तक फिलहाल ऐसी कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं हो रही कि मैम आपको कहाँ जाना है। हमें माता वैष्णो के मंदिर। कहाँ से आए आप? हम लोग दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। आपके इस गाड़ी के कटरा पहुँचने का समय 2 बजे है, अब पिछले 3 या 4 घंटों से ट्रेन यहाँ पर खड़ी है। आपको कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये यहाँ से कब रवाना होगी क्या नहीं होगी? कुछ सुना है कि 5-6 घंटे लग जाएंगे। फिलहाल 5-6 घंटे और लग, अब यहाँ पर आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? हम सोच रहे थे कि अगर जल्दी पहुँच जाते तो हमें वैष्णो माता की हम जल्दी से चढ़ाई कर सकते थे, लेकिन अब लेट हो रहे हैं तो हो सकता है हमें ना हम कर पाए। आज किस कारण रुकी है? पता है क्या कारण? किसान आंदोलन के जो वहाँ पर बैठे हैं वो लोग। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुराधा। अनुराधा दुबे। यस। जैसे किसान आंदोलन के चलते आज भारत बंद का ऐलान किया गया था, जैसे आपको माता वैष्णो देवी जाना था लेकिन आपको मजबूरी में यहाँ ट्रेन को रोक दिया गया और इस तरह से आपको यहाँ पर 3-4 घंटे हो गए, अभी आपके पास फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं कि वो ट्रेन कब चलेगी और आप अपने गंतव्य तक कैसे पहुँच पाएंगे, किससे इससे आपका सारा का सारा शेड्यूल जो है वो डिस्टर्ब हो चुका होगा। हो चुका है।
तो अब आप क्या कहना चाहेंगे किसान आंदोलन के चलते, यदि इस विभाग को पता था कि ये सब कुछ होना है तो क्या उनको पहले आपको इन्फॉर्म नहीं करा, आपने रिजर्वेशन करवाई? बिल्कुल हाँ, रिजर्वेशन कराई थी, पहले से कराई हुई थी। आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई? इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। देखिए ये सर आप क्या कहना चाहेंगे, आज अभी ट्रेन रुकी है, आप कितनी देर से यहाँ खड़े हैं? 7:30 बजे से यहाँ खड़े हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, और हम लोगों को वैष्णो देवी जाना था, बच्चे हैं साथ में छोटे छोटे, और रेलवे की तरफ से कोई सूचना नहीं थी कि नहीं आगे भारत बंद के वजह से ट्रेन भी खड़ी हो जाएगी, ऐसा कुछ पता नहीं था, आ करके फंसे हुए हैं और क्या है। आपको आपने रिजर्वेशन करवाई होगी जाने की? हाँ जी हाँ। आपका सारा शेड्यूल भी बना होगा? हाँ सारा, वहाँ होटल्स वगैरह जो है सब शेड्यूल में है पहले से ही, अब वहाँ जा करके पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया है। कहाँ से चले आप लोग? मैं नई दिल्ली से चला हूँ, नोएडा से आया हूँ। देखिए ये पैसेंजर थे मेरे साथ, ये भी नई दिल्ली से चलते हैं, लेकिन बात खुलकर सामने ये आ रही है कि अभी तक विभाग के द्वारा इनको पूर्व में कोई सूचना नहीं दी गई कि यहाँ ट्रेन जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पर इनकी ट्रेन भी रुक सकती है, इनका सारा शेड्यूल बिगड़ चुका है, इन्होंने आगे की बुकिंग करवा रखी थी वो भी सारी डिस्टर्ब हो चुकी है। मैं एक बार फिर से बताना ये चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि ये वंदे भारत ट्रेन है जो कि करनाल में पिछले काफ़ी घंटों से यहाँ पर रुकी हुई है, यहाँ पर पैसेंजर परेशान कुछ कहना चाहेंगे सर आप, कितनी देर से यहाँ खड़े हैं? सुबह 7:30 बजे के हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये बता रहे हैं कि 6 बजे हमारी गाड़ी यहाँ से जाए। सर कहाँ से चले आप? मथुरा से, हम दिल्ली से बैठे हैं। जाना कहाँ आपको? हमको वैष्णो देवी कटरा। आपको वैष्णो देवी जाना है, आप सुबह दिल्ली से चले हैं, ट्रेन का 2 बजे का पहुँचने का टाइम है, अब ये पहुँचेगी रात को 2 बजे। सर रेलवे की तरफ से आपको पूर्व सूचना दी गई थी कि ये ट्रेन, और आपको पता था कि 26 तारीख को भारत बंद है? 26 तारीख को भारत बंद के पता होता तो हम आ जाते क्यों? आप अब यहाँ पर सुबह से खड़े हैं यहाँ पर और अभी तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, शाम के 5 या 6 बजे ट्रेन रवाना होगी, आगे की आपकी बुकिंग है वो भी सारी की सारी डिस्टर्ब हो चुकी? डिस्टर्ब हो गई, हो चुकी, क्या होगी? हो गई होगा। देखिए मैं आपको फिर बता दूं कि मैं आपको दिखा दूं कि मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय हुई करनाल के रेलवे स्टेशन पर हूं जहां पर कि यह ट्रेन खड़ी है पिछले काफ़ी घंटे से, और अब बताया यह भी जा रहा है कि अम्बाला और शाहबाद के बीच का जो रूट है वह जाम है जिस वजह से ट्रेनें आगे आवाजाही बंद है, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी लापरवाही रेलवे विभाग की रही जबकि उनको जानकारी थी कि 26 तारीख को भारत बंद है और रेलवे ट्रैक पर भी इसका असर पड़ सकता है, यात्रियों को पूर्व किसी सूचना उनको किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई कि वो फिलहाल इस दिन अपील यात्रा ना करें कहीं उनकी यात्रा डिस्टर्ब ना हो जाए। मैं एक बार फिर से बता दूँ कि यहाँ पर पिछले काफ़ी घंटों से बाहर। मैम आप कहाँ से हैं और कहाँ जाना आपको? जाना तो वैष्णो देवी था, पर ये जो इंसानों का आंदोलन चल रहा है उस कारण कह रही है कि ट्रेन कैंसिल हो रही है क्या ये? मैम ये तो आपको यहाँ पर किसी रेलवे के अधिकारी ने आपको सूचना दी? हाँ जी अभी तक तो कोई सूचना नहीं मिली हमें, क्या करना है? आपने जानने का प्रयास किया यहाँ पर भी लोगों से भी? हाँ भी। अभी जितने इधर पुलिसकर्मी हैं और टीटी साहब जो हमारे सामने घूम रहे थे उनसे भी बात की क्या हुआ सर, कुछ इसका आगे हल निकला है? अभी तक तो कोई हल बताया नहीं उन्होंने, कि अभी कह रहे थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि हमें वापस रिटर्न जाना है या आगे जाना है या यहीं रुकना है, स्टे करना है या तो फॉरवर्ड करेंगे आगे के लिए। 7:30 बजे से हम लोग रुके हुए हैं। आपको कहाँ जाना है? जम्मू, माँ माता वैष्णो देवी का दर्शन करने, काशी से मैं आ रहा हूँ। तो ये किसान आंदोलन के चलते आज भारत बंद का ऐलान किया गया, आप क्या सोचते हैं किसान आंदोलन कितना ठीक है? एकदम सही नहीं है, विपक्ष लोग अपना किए, किसान लोग अपना किसानी कर रहे हैं, कोई धरना प्रसन्न नहीं हो रहा है, किसानों का कुछ नहीं हो रहा है, खाली किसानों को बदनाम किया जा रहा है। सर आपको कहाँ जाना है? कटरा। कटरा जाना? पता नहीं जी, हम तो आराम से बैठे हुए थे, ट्रेन रुकी और सेवा चालू कर दी हमने, लोगों को खाना खिलाना। आप कहाँ से हैं सर? गुड़गांव से। आपको भी जम्मू जाना है, माता वैष्णो देवी जाना तो है, बुलावा देखो अगर ट्रेन आई तो चली तो। देखिए मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ पैसेंजर हैं, मैक्सिमम पैसेंजर ऐसे हैं जिनको माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जाना है, लेकिन इनका ये कहना है कि अब यहाँ पर पिछले 1 घंटे से लगातार इनको ये बताया, सुबह साढ़े सात से ये लोग खड़े हैं, इनका ये कहना है कि यहाँ पर जितने भी अधिकारी जो भी टीटी साहब यहाँ पर मिले हैं उनका ये भी कहना है कि अभी फिलहाल 1 घंटे के बाद ही पिक्चर क्लियर हो पाएगी, इनको वापस जाना है या फिर ट्रेन आगे की तरफ जाएगी, कोई भी इनको अनुमान नहीं दे रहा, कोई भी इनको सच्चाई नहीं बता रहा, हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि अफसरों को भी इस बात का इलम नहीं था, अफसरों को भी इस बात की जानकारी नहीं है, फिलहाल मौजूदा समय तक कोई जानकारी उनको भी नहीं है कि यह ट्रेन अब आगे चलेगी या पीछे चलेगी या पैसेंजर्स को वापस जाना पड़ेगा, लेकिन इतना साफ है कि आज भारत बंद के चलते जिस तरह से ये रेलवे ट्रैक जाम कर दिया गया इससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और यहाँ पर लोगों को बिल्कुल परेशानी न हो इसके लिए यहाँ पर करनाल के समाजसेवी संस्थाएँ विशेष तौर पर आगे आ गई हैं और यहाँ पर पैसेंजर्स को खाना खिला रही हैं, हम इनका भी धन्यवाद हैं।
धन्यवाद करते हैं। आप देख सकते हैं कि भी किस तरह से यहाँ पर लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सन्नी चौधरी का, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।